सो हाय, मेरा नाम है विशेष। तो आप लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भैया आप अपने हॉस्टल का फुल रूम टूर दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको मेरे हॉस्टल का फुल रूम टूर मिलने वाला है। एंड अगर आप घर से हॉस्टल आ रहे हो तो इस वीडियो के अंदर आपको एक डाउट और क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या सामान लाना है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो ये है हमारा हॉस्टल रामानुजन वी। तो चलिए अब हम अंदर देखते हैं। और ये मिल चुके हैं हमें कुलदीप भाई, आप देख सकते हो काफ़ी पढ़ने में अच्छे हैं और अभी लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। ये है मेरा रूम 2009। और ये है हमारे पारासर भाई भी मिल गए। तो पारासर भाई, जो जूनियर्स आ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? भाई लोग सब आ जाओ, बहुत चिल माहौल है हॉस्टल का, अपन सब मिलके फोड़ देंगे, एकदम फोड़ देंगे। तो चलिए अब हम अपने हॉस्टल रूम के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि अंदर कैसा रहता है। तो आ जाओ सारे के सारे। तो ये है हमारा रूम। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको कॉलेज की तरफ से क्या क्या मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगी एक अलमीरा, उसके बाद आपको बेड मिल रहा होगा, एंड देन आपको एक टेबल मिल रही होगी, एंड चेयर मिल रही होगी, एंड एक ये ड्रॉ मिलता है जो कि आप जूते कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो इतना ही सामान आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है, और जो भी आप यहाँ पर सामान देख रहे हो वो आपको ही लेना पड़ता है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये मेरे रूम पार्टनर का सामान है, तो और ये मेरा रखा है। सबसे पहले ये दर्पण है, उसके बाद ये बुक्स हैं कुछ, और बुक्स में मेरे पास एलन मस्क भाई साहब की है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो ये बुक्स रखी हैं। कुछ गीता हैं, तो आप भी खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है बुक्स पढ़ना, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आप इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद मेरे पास ये नॉर्मल सी बुक है, ये हमारे स्टार्टअप की है, स्टार्टअप एक्सपो हुआ था स्वेब बाज़ार के लिए, तो वहाँ पर मिली थी। उसके बाद ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के बाद ये मेरा लैपटॉप एंड माउस कीबोर्ड है, तो ऐसा कुछ मेरा सेटअप है। और ये पर्दे भी आपको ही ख़रीदना पड़ेंगे, आपने इस पर्दे पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। एंड देन हम बात करें तो ये मेरा बेड है, तो बेड में आप कोशिश करना कि एक बेड शीट घर से ही ले आना, और आपको जो गादी है वो यहीं पे मिल जाएगी कॉलेज में। आप अगर आप दूर से आते हो, पास से आते हो, तो गादी भी ला सकते हो। उसके बाद आप नहाने के लिए बकेट, मग और साबुन वगैरह, ये नॉर्मल सी चीज़ें आप लेके आ जाना। और अब अलमीरा में देखते हैं, वैसे कोई प्राइवेट चीज़ है नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और बात करें तो मेरे पास जूते और सैंडल हैं, और मेरे को क्लास जाना सैंडल में ही पसंद है। आप एक जोड़ी जूते और सैंडल ला सकते हो, और स्लीपर ले सकते हो, स्लीपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। उसके बाद मेरे पास कुछ कपड़े हैं, और ये बर्तन है, और ये गेट के कुछ मॉड्यूल्स हैं, वैसे ये मेरे नहीं हैं, ये बॉटल्स हैं। अब दिखाते हैं हमारी अलमीरा, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, ये रिंग लाइट है जो कि मैं वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और बुक्स हैं। इसके बाद ये सोनी का कैमरा है, और ये नॉर्मल सा सामान है, स्वेब बाज़ार का बॉक्स है। उसके बाद थोड़े से कपड़े हैं, और नीचे हमारे स्वेब बाज़ार का सामान भरा हुआ है जो कि हमने सीनियर से ख़रीद के रख लिया था। और उसके बाद हमारा सबसे स्पेशल है ये बोर्ड, वैसे ये बोर्ड मैंने ख़रीदा नहीं, जब हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उससे बनाया था। और इससे पहले मैं, ये अलमीरा है, इसके पीछे भी एक वाइट बोर्ड टाइप का था, तो दो तीन वीडियो इसके पीछे भी शूट की हैं। तो इंजीनियर्स हैं तो जुगाड़ तुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, इस पर भी मार्कर चल जाता है। तो कुछ वीडियोस पुरानी आप देख सकते हो, हम बोर्ड का यूज़ करते थे। तो ये हमारा पूरा सारा सेटअप है और सब कुछ है, और लाने का वही है कि बेड शीट ले आना, और कंबल गादी जो भी आपको लाना हो ओढ़ने के लिए, अभी ठंड का माहौल है तो थोड़ा सा मोटा कुछ भी ले आना। और बकेट, मग, ये आप पास से ही ले सकते हो, अगर आपका घर पास में है तो घर से ये सामान ला सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया एसी रहती है नहीं रहती, तो एसी तो नहीं, फ़ैन है आपके पास। और एक और चीज़ पूछ रहे थे कि ईथरनेट का कैसा सिस्टम रहता है, तो ईथरनेट की मैं बात करूँ तो ऐसा आपको एक बॉक्स मिलता है, इसके लिए आपको ईथरनेट केबल एंड लाना पड़ता है अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए, और आपको फ्री में ही नेट मिल रहा होता है, तो आप फ्री में कितना ही नेट यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पे भी हमने कई सारी वीडियो शूट की हैं, ये आपको ब्लैक दिख रहा है, कई सारे पॉडकास्ट, आप पहले हम पॉडकास्ट शूट करते थे तो ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करते थे, तो इसका भी हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो यही हमारा सारा सामान है,
और कुछ बताने का है नहीं, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और मैं एक फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा और क्या क्या सामान लाना है आपको घर से। तो ये मेरे बैग्स हैं कुछ, तो बस यही बात आपको बताना था। और एक बोतल ज़रूर ले आना पानी स्टोर करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी रहती है। बड़ा टंकी भी आप ले सकते हो। तो बस यही मेरा सारा रूम टूर है। और एक और हमारे स्पेशल गेस्ट मिल गए हैं, पप्पू भैया, जो कि आपको हॉस्टल में मिल जाएंगे, तो बहुत ही हेल्पफुल है। जब हम लोग आए थे तो पहली मुलाकात पप्पू भैया से हुई थी, तो थैंक यू पप्पू भैया। तो चलिए अब मैं आपको अपने आसपास के भी रूम्स दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए। तो इस तरीके के आपको पास में रूम्स मिल जाएंगे, और आपको एक रूम में दो लोग मिल रहे होंगे, लेकिन जो आपको हॉस्टल मिलेगा उसमें तीन लोग भी रह सकेंगे, इतनी उसमें कैपेसिटी है। और ये मेरे फ्रेंड का रूम है, आप देख सकते हो इस तरीके का उनका रूम है। और जो हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, ये उनका ही रूम है, उन्हें भी हम दिखा रहे होंगे। तो चलिए कैमरामैन भाई साहब से बात कर लेते हैं थोड़ा। तो हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखे कि रूम के टूर के सारे चीज़ें, देखिए बोलना तो मैं ये चाहूँगा कि रूम कैसे भी रहे, आपको क्या है एडजस्ट करके आपको अपना कैरियर बनाना है, तो रूम वूम से कुछ नहीं होता है, जो भी चीज़ें हैं एडजस्ट करना पड़ेगा, बस मेरा इतना ही कहना है। तो काफ़ी अच्छा सजेशन दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा ध्यान मत देना आप कि रहने आ रहे हो, आप रह सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और कुछ लोग थोड़ा सा परेशानी रहती है, बट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, और पढ़ाई पे फोकस करोगे तो ये अदर चीज़ों में आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ मत देखना कि खाने और वगैरह की, तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप कहीं पे भी चले जाओ, इतना तो रहता ही है। तो इस तरीके का ये रूम है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा बता देता हूँ, हमारा जो ग्राउंड है जहाँ पे हम खेलते रहते हैं। तो आ जाइए जल्दी से। और मैंने हॉस्टल टूर भी बनाया था, आप पुराना देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भी थोड़ा सा पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो आ जाओ। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा गया था, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो ये हमारा पूरा हॉस्टल है, जो कि अंदर से दिखता है, आप देख सकते हो। अभी सारे कपड़े सूखने पड़े हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है। तो ऐसा कुछ हमारा हॉस्टल है, आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमें यही बताना था, एंड आई होप कि आपको ये पूरा टूर पसंद आया होगा। और भी आपको ऐसे टूर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम और ला रहे होंगे। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इतनी ज़्यादा टेंशन मत लेना, सब कुछ बढ़िया रहता है, और काफ़ी अच्छे से लोग रहते हैं। और हॉस्टल का भी एक अलग सा एक्सपीरियंस रहता है, ये आप कॉलेज को भूल जाओगे लेकिन हॉस्टल को कभी नहीं भूलोगे। हॉस्टल लाइफ एक अलग ही एक्सपीरियंस दे के जाती है। तो यहीं पर हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं, कैमरामैन मयूर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी तो गाड़ी की चाबी चाहिए हमको, अंदर जाना है। मिलिए तुषार सर से, टेक हेड ऑफ से बाजार। थोड़े से इंट्रोवर्ट है लेकिन टेक में बोल रहा है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।